Om Shanti. दादी ने तो आज के मुरली का सार आप सबको बहुत पक्का करा दिया और बाबा को आपकी रिजल्ट सुनाएंगे, फिर जो बाबा कहेंगे वो आपको सुनाएंगे। अच्छा है नए वर्ष में हम सब इकट्ठे हुए हैं और बाप दादा द्वारा हम सबको तीन मुबारक मिली थी, तो तीन मुबारक याद है? हाँ? पहला तो हम नव जीवन में है, हाँ? और दूसरा नव युग में चलने वाले हैं, और तीसरा अभी वर्तमान समय संगम पर नया वर्ष भी मना रहे। तो त्रिमूर्ति मुबारक बाबा ने दी और ये त्रिमूर्ति ही मुबारक सारा साल हमको याद रहेंगी कि त्रिमूर्ति रचता बाबा ने हमको त्रिमूर्ति मुबारक दी, तो याद नहीं रहेगा और भूलेंगा नहीं, सदा याद रहेगा। एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी मुबारक तो याद रहेंगी। तो मुबारक मुबारक, सुबह को उठ के बाबा से मिलन मनाते हम अपने को बाबा द्वारा मुबारक ले और सारा दिन मुबारक में चलेंगे, ये तो है ही। बाकी बाबा ने इस वर्ष हमको वरदान बहुत पावरफुल दिया है। कौन सा वरदान? वैसे बाबा कहते थे सुहा करो अर्थात सफल करो, और सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है या गले का हार है, ये तो बाबा हमेशा कहते ही है। लेकिन इस बारी बाबा ने कहा कि सफल करो तो सफलता है ही, अंडरलाइन किया शब्दों को। बाबा ने ये नहीं कहा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये है वो तो है ही, लेकिन इस वारी के वरदान में बाबा ने कहा है कि सफलता है ही, तो गारंटी हो गई ना भगवान की। तो ये जो भगवान की गारंटी है कि सफलता है ही, तो उसका लाभ हमको उठाना चाहिए। कभी भी कोई काम करें तो हमको उसमें ये नहीं सोचने की जरूरत है कि सफलता होगी नहीं होगी, पता नहीं। पता नहीं शब्द तो बाबा ने कहा, पता नहीं जब कहते हो ना तो अपने ब्राह्मणों के जार से तुम पता अपना काट देते हो। पता नहीं कैसे कहते हो, एक तरफ कहते हो त्रिकालदर्शी, बाबा के बच्चे त्रिकालदर्शी है, और छोटी सी बात में कह देते हैं पता नहीं, तो दोनों बातें तो कठी नहीं चलती है ना। तो इस वर्ष के इस वरदान को सफलता है ही भगवान ने कहा है, तो इस निश्चय से और इस नशे से भगवान का वरदान है। रवा जी कोई महात्मा का वरदान होता है तो भी वो पता नहीं नाचते रहते हैं, निश्चय में नाचते हैं, और हमको तो भगवान ने वरदान दिया है कि सफलता है ही। लेकिन पहला शब्द है सफल करेंगे तो सफलता है ही, तो कोई ऐसे नहीं समझे कि बाबा ने कहा तो सही सफलता है ही, लेकिन मेरे भाग्य में शायद नहीं है। दिल शिकस्त नहीं होना,
बाबा ने कहा है सफलता है ही, लेकिन पहला शब्द क्या बोला है, सफल करो तो सफलता है ही। तो सफल करने को नहीं छोड़ना। जैसे डॉक्टर, कई लोग ऐसे पेशेंट होते हैं जो दवाई तो ले लेते हैं लेकिन परहेज पूरी नहीं करते, फिर डॉक्टर की गिला नहीं करते कि दवाई ठीक नहीं दी, लगती नहीं है। लेकिन कमी अपनी परहेज की होती है, दवाई की नहीं है, डॉक्टर की नहीं है, लेकिन कमी अपनी होती है। इसी रीति से बाबा ने जो पहला शब्द बोला है, सफल करो तो सफलता है ही। तो पहले ये अपना चेक करना है कि मैंने सफल किया, कितने खजाने बाबा ने कहा, दुनिया को तो एक ही पैसे की ये है खजाना, लेकिन हमको तो बाबा ने कहा तुमको कितना, सबसे बड़ा तो संकल्प है खजाना हमारा, उसको सफल करो। फिर समय है, क्योंकि समय अभी का ही है, संगम युग के कमाई का है, बाकी तो जो कमाया है वो खाना। तो समय, शक्तियां, ज्ञान, गुण, कितने खजाने हो गए, पांच तो अभी हमने गिनाए और भी होंगे। तो इन खजानों को अगर हम सफल करेंगे तो हमारे से वरदान वो जरूर लगता है कि सफलता है। तो मुझे तो बड़ी खुशी कि भगवान ने हमको ये वरदान दे दिया है कि है ही, गारंटी दे दी है। तो इस निश्चय और नशे से अगर हम कोई भी काम करेंगे, चाहे संकल्प करो चाहे कुछ भी करो, ज्ञान का खजाना माना समझ। ज्ञान का खजाने का इसका मतलब नहीं है सिर्फ कोर्स करा लिया या भाषण कर दिया, ज्ञान माना ही है समझ। मनसा में करे, वाचा में करे, कर्मणा में करे, लेकिन समझ, ज्ञान का खजाना माना समझ यूज करे। तो फिर समझ के जो सोच के काम किया जाता है वो रंग तो होता ही नहीं। तो इसीलिए ये बाबा का वरदान अंडरलाइन करना कि वरदान जो बाबा ने दिया है उसको हमको प्रैक्टिकल में, कार्य में लगाना है। ओम शांति। बोले कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात हमको ये मुरली, हाँ, मुरली की जो चली आज प्यूरिटी की, उसमें हमको एक दृश्य याद आया। एक क्या दृश्य था, कोई ब्राह्मण आत्मा की मृत्यु हुई थी, काफी साल पहले की बात है। तो उस समय कोई ने बाबा से क्वेश्चन किया था कि बाबा, ये जो कहते हैं कि जब मृत्यु होती है ना, अज्ञान काल में भी कहते हैं, जब मृत्यु होती है ना तो किसी को तो विमान आता है लेने के लिए, और किसी को जो है ना जिन्न भूत आते हैं, ये खराब लोग जिन भूत कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, जमदूत, हाँ जमदूत आते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो कोई ने क्वेश्चन किया, जैसे ये आत्मा ने शरीर छोड़ा, अच्छी आत्मा थी तो उसने शरीर छोड़ा, तो इसको क्या विमान आया है या जमदूत आए? तो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई। बाबा ने कहा, कोई जमदूत किस लोक में बैठे है क्या जो लेने आएंगे? उनका भी तो कोई लोक होना चाहिए ना, हमने तो तीन लोक ही दिखाए हैं, दूसरे लोक तो दिखाए नहीं। तो ये क्या जमदूत क्या होता है, और विमान आता है उसका मतलब क्या है?
सचमुच विमान आता है या क्या होता है, यानी अच्छे आदमियों के लिए कहते हैं विमान आता है, और जो खराब काम करते हैं उसके लिए कहते हैं जमदूत आते हैं, इसका मतलब क्या है? तो बाबा ने बहुत अच्छा सुनाया, कहा तो विमान आता है इसका मतलब है कि जिसके अच्छे कर्म है, बाबा का बच्चा बन गया पवित्र ठीक रहा, यानी जो भी मर्यादा है ब्राह्मण परिवार की, तो उसकी उड़ती कला की स्टेज होती है, होती है ना, उड़ती कला की स्टेज होंगी ना, वो डबल लाइट होगा ना। तो बाबा ने कहा विमान कोई आता नहीं है, लेकिन क्या होता है, वो जब शरीर छोड़ता है ना, तो उसको ऐसे ही महसूस होता है जैसे मैं उड़ती कला से बाबा के पास जा रहा हूँ। बाकी कोई विमान विमान नहीं है, लाइट ही उसके लिए विमान होती है, क्योंकि खुद डबल लाइट है ना, तो डबल लाइट को लाइट ही दिखाई देगी ना, आत्मा जा रही है। तो वो विमान की समझो, वो विमान क्या होता है, नीचे से ऊपर उड़ता है ना, तो वो उड़ती कला जो है उसको लाइट लाइट ही लाइट दिखाई देंगी। तो लाइट के विमान में जैसे जा रहा है उड़ती कला से, बाकी कोई खास विमान बनाने वाला भी तो चाहिए, या कोई तो वतन होगा जिसमें विमान भी बने या जमदूत भी बैठे हो वो आवे। तो बाबा ने कहा ये कोई बात नहीं है, लेकिन जो बुरे कर्म करते हैं ना, उनके जो पाप है ना, पाप किए हुए तो होते है ना, तभी तो बुरा हुआ ना, तो सारे जन्म से लेकर के जो पाप किए ना, वो पाप ही उसके आगे जमदूत के रूप में आते हैं। जैसे भयानक जमदूत क्या होते हैं, डराने वाले, तो वो जो पाप उसके सामने आते हैं ना, मैंने ये कर लिया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, वो ही पाप उसके जो है बुराइयां, वो जमदूत के रूप में आती है। और ऐसे लगता है जैसे मुझे कोई जमदूत जो होते हैं ना, जो दिखाते हैं शास्त्रों में, तो जमदूत जो है वो परेशान करते हैं बहुत, ऐसे ऐसे दिखाते हैं, बड़े बड़े नाखून से ऐसे ऐसे करते हैं, शास्त्रों में दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा कोई जमदूत नहीं आते, लेकिन जो उनके किए हुए छोटे छोटे पाप भी होंगे ना, जो उसको याद भी नहीं होंगे, लेकिन धर्मराजपुरी जैसे बाबा कहता था, कहता है, तो वो पाप जो है ना, वो उसके सामने जो आते हैं ना, वो ऐसे ही महसूसता होती है जैसे जमदूत मुझे ले जा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो मुझे याद आया, आज के मुरली में भी था, बाबा ने जमदूत की बात भी थी, तो मुझे याद आया कि ये जमदूत कोई और नहीं है, लेकिन ये अपने ही पाप बाबा सामने लाते हैं। उस समय बाप का रूप तो होता नहीं है ना, धर्मराज का रूप, यानी बाबा का जो साथी है धर्मराज, वो ही सामने आता है। तो इसीलिए बाबा का ये स्पष्टीकरण एक बारी बाबा ने हमको दिल्ली में दिया था, वो मेरे को याद आया, तो मैंने कहा चलो सुना देती हूँ। ओम शांति।